दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर शेर या बाघ है तो आप गलत हो। इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो खतरनाक के साथ साथ खूंखार भी है। नंबर 10, बिच्छू। दोस्तों, ये छोटा सा जीव बहुत ही खतरनाक होता है। इसके काटने से दुनिया भर में हर साल औसतन 3,300 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 9, किसिंग बग्स। दोस्तों, किसिंग बग्स दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में शामिल है। ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिनके काटने से चगास नामक बीमारी हो जाती है। इसके काटने से हर साल दुनिया भर में औसतन 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 8, कुत्ता। दोस्तों, हम लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि यह एक पालतू जानवर होता है, लेकिन कुत्तों की एक सच्चाई जानने के बाद आपको इनसे डर लगने लगेगा। बता दें कि कुत्तों के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, इसकी वजह से दुनिया भर में हर साल औसतन 59,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 7, सांप। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप बेहद ही खतरनाक जानवर होते हैं। दुनिया भर में मौजूद सांप की सभी प्रजातियां खतरनाक नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद सांप के काटने से दुनिया भर में हर साल औसतन 1,38,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 6, मच्छर। दोस्तों, मच्छर दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, शेर या बाघ नहीं बल्कि मच्छर इस धरती पर मौजूद सबसे खतरनाक जानवर है। ये छोटे छोटे से उड़ने वाले जीव मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। मच्छरों के काटने से होने वाली इन बीमारियों की वजह से दुनिया भर में हर साल औसतन 7,25,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 5, टेट्से मक्खी। दोस्तों, टेट्से मक्खियां स्लीपिंग सिकनेस नामक एक बीमारी को प्रसारित करती है। यह एक परजीवी संक्रमण है जो पहले सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द और खुजली पैदा कर सकता है, लेकिन बाद में गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं पैदा कर सकता है जो इंसान के मौत का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, इस मक्खी की वजह से दुनिया भर में हर साल 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 4, मीठे पानी का घोंघा। दोस्तों, मीठे पानी के घोंघे में परजीवी कीड़े होते हैं जो लोगों को सिस्टोसोमियसिस नामक बीमारी से संक्रमित कर देते हैं। इस बीमारी से लोगों को तेज पेट दर्द होता है और मल या मूत्र द्वारा खून का बहाव भी हो सकता है। दोस्तों, WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल 2,00,000 लोगों की मौत हो जाती है इस बीमारी से। नंबर 3, स्पाइडर। दोस्तों, इंसानों में सबसे ज्यादा डर सांप और मकड़ियों का होता है क्योंकि ये दोनों जानवर जहरीले होते हैं। इस दुनिया में मकड़ी की 43,000 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 30 प्रजाति ही इंसान का जान ले सकती है, लेकिन कुदरत ने स्पाइडर को सिर्फ छोटे जानवरों को मारने के लिए ही बनाया है। नंबर 2, गोल्डन पॉइसन मेंढक। दोस्तों, बचपन में हंसते खेलते हुए हम अक्सर मेंढक को पत्थर मार के आनंद लेते हैं, लेकिन जिस मेंढक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गोल्डन पॉइसन मेंढक। ये दुनिया का सबसे खतरनाक मेंढक है। ये मेंढक एक ही समय पर एक साथ 10 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। इसके संपर्क में आते ही इंसान का हार्ट फेल हो सकता है। इसके 1 ग्राम जहर से 15,000 लोगों को मारा जा सकता है। इसके इसी वजह से इन्हें दुनिया के खतरनाक जानवरों में शामिल किया जाता है। नंबर 1, इंसान। दोस्तों, ये सुनकर शायद आपको अजीब लगा होगा कि इंसान तो कोई जीव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इंसान पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जैसा नहीं होता, लेकिन दुनिया में इंसानों की मौत की वजह की बात करें तो हर साल लगभग 5,00,000 लोग इंसानों की वजह से ही अपनी जान गंवा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में पूरे दुनिया में लगभग 4,37,000 हत्याएं हुई है, जिससे यह साबित होता है कि इंसान ही इंसानों के लिए दूसरे सबसे खतरनाक जानवर बन गया है।
इंसान इंसान के सबसे बड़े दुश्मन तो नहीं लेकिन काफी करीब भी नहीं है। दोस्तों मनुष्य के जीवन अमूल्य है, चाहे वह मनुष्य दुनिया के किसी भी कोने का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी वर्ण का हो, अमीर हो या गरीब हो, धनवान हो या निर्धन हो, मनुष्य का जीवन इस ब्रह्मांड का सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए हमें अपने और दूसरे मनुष्य के जीवन को रक्षा करना पहला कर्तव्य है, चाहे वह किसी भी तरह का रक्षा क्यों न हो। किसी भी इंसान को मौत के मुंह में जाना पसंद नहीं होता, अतः सर्वदा मनुष्य के जीवन को रक्षा हेतु काम करें। अंत में मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी बेहद आवश्यक जानकारी मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।